ये चीज मुट्ठी में लेकर के ये बोल देना और फिर चारों तरफ घुमाकर फेंक देना, आपका प्यार जिस भी जगह होगा तत्काल करेगा बात। ये चीज मुट्ठी में लेकर चारों तरफ घुमाकर फेंक देना, जिस भी परिस्थिति में वो होगा तत्काल आपसे बातचीत होगी, आपके प्यार को अब कोई छीन नहीं पाएगा। ये चीज घुमाकर फेंक देने से आपका पति आपका हो जाएगा, आपका रिश्ता आपका बन जाएगा, आपका प्यार सदैव के लिए आपका होगा। कितनी भी झगड़े हों, कितने भी विवाद हों, कितने भी आपस में द्वंद हो चुके हों, उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। जानिए वो पूरा का पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव्य एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव्य एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव्य एस्ट्रोलॉजी में रिश्ते नाते संबंध इनको आप के पक्ष में खड़ा कर आपको जिताया जाता है। रिश्ता चाहे बहु बेटी का हो, बिटिया दामाद का हो, या आपके स्वयं का हो, या आपके प्यार की बात हो या घर संसार की बात हो, आपके रिलेशनशिप की बात हो या आपके निजी रिश्ते की बात हो, हर तरफ आपको जिताना और आपको श्रेष्ठ बनाना लव एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक काम है। और ऐसा हम कर रहे हैं पिछले 200 सालों से। अभी तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या है 21 लाख, और सक्सेस रेट है यहाँ का 95% प्लस, और ये सब बराबर जारी है। यहाँ 4000 लोगों की टीम है। यहाँ आपके प्यार और सहयोग के साथ निरंतर आगे बढ़कर वेद पुराण गीता बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च कर आपको उपाय साझा किया जाता है। आप सब बहुत तल्लीन होकर इसमें मदद कर रहे हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि ये चीज मुट्ठी में बंद करके चारों तरफ घुमाकर फेंक देने मात्र से आपके जीवन में वो सब कुछ संभव है जो तुम चाहते हो। सारे संकट कट जाएंगे, सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी और तुम बेहतर हो जाओगे। विश्व की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। जरा ध्यान से समझना, कोई तो ऐसी चीज है जो आपको रोकती है, कोई तो ऐसी चीज है जो आपको ढकेलती है कभी कभी, कोई तो ऐसी चीज है जो अच्छा और बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। मैं सुनता था बचपन में, पाप डर दिलाता और पुण्य आगे बढ़ाता, ये सुना करता था मैं। और सत्य ही है, यथार्थ है, जीवन में इसको बहुत नजदीक से देखा है हमने। जब भी तुम कुछ अच्छा बुरा करते हो या तुम्हारे साथ होता है, तो वो करता कौन है, होता कैसे है? कोई तो उसका सूत्रधार है, कोई तो निर्माण कर रहा है उस व्यवस्था को, भगवान डेफिनेटली सब कर रहा है, लेकिन कोई तो शक्तियां हैं जो उसका साथ दे रही है। कोई तो एनर्जी है, कोई तो पावर है, कोई तो ऐसी चीज है जिसे स्पंदन होता है, जिससे सब कुछ चकाचौंध हो जाता है। जरा समझने की कोशिश करना, तुम पर ही संकट क्यों आया? तुम ईमानदार नहीं हो क्या? तुम बेहतर नहीं हो क्या? तुमने बहुत गलतियां की हैं क्या? क्या तुम दुनिया के सबसे खराब व्यक्ति हो क्या? क्या तुमने कभी कुछ अच्छा नहीं किया क्या? क्या तुमने सत्कर्म कभी किए ही नहीं? क्या तुमने किसी को खुशी नहीं दी? तुम सब चीजों में हाँ कहोगे, सब किया है तुमने, सब अच्छा किया है। हाँ, कदाचित कुछ बुरा भी हुआ होगा। तो क्या हुआ? शंकराचार्य जी कहते हैं, अपराध हुए हैं तो क्या हुआ, गलतियां हुई हैं तो क्या हुआ, ये कौन सी बड़ी बात है? पूरी दुनिया करती है, ऐसा तुम भी कहते हो। अपराध परम परा परम, ये परंपरा है। अपराध परम परा परम, नहीं माता सुमपेक्षते सुतम। या तो बोल दो, भगवान शंकराचार्य माता से लड़ रहे हैं, जगत जननी के सामने खड़े होके कहते हैं, अपराध परम परा परम, ये मेरी परंपरा है,
मेरे बाबा दादा भी करते थे, मैं भी करूंगा, मेरे बच्चे भी करेंगे, अभी से कह रहा हूं मां। या तो कह दो कि तुम मेरी मां नहीं हो। नहीं माता सुमपेक्षते सुतम। और फिर आगे एक और बड़ी बढ़िया बात कहते हैं, कहते मत्समहा पात की नास्ती और पापघ्नी तत्समा नहीं। मेरे जैसा पापी और तुम्हारे जैसा पाप हरण करने वाला दूसरा कोई और है भी तो नहीं, तो मैं क्यों ना पाप करूं। शंकराचार्य जैसा वकील आपके साथ हो तो तुम्हारी कोर्ट में जीत निश्चित है। तुमने बुरे कर्म किए होंगे ये माना कि उसकी वजह से तुम्हें संकट आ गए हैं, लेकिन अभी भी स्वीकार कर लो और ठीक होने की कोशिश कर लो, सब ठीक हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? मैं हूं तुम्हारे साथ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु, इस योग्य हूं उस योग्य काम कर रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे योग्य तुम्हें उपाय बताता हूं, रोज वही उपाय बताता हूं जो तुम बड़े आसानी से कर सको। एक मुट्ठी में यह सामान रख करके अपने ऊपर से घुमाकर फेंक कर देखो, पूरा विश्व तुम्हारा चक्कर काटेगा। आज इस चक्कर में पूरी दुनिया घन चक्कर बन जाए, ऐसा साधन लेकर के तुम्हारे सामने आया हूं। विश्व में किसी को भी तुम संबोधित कर सकते हो, सम्मोहित कर सकते हो, संसर्गित कर सकते हो और आकर्षित कर सकते हो। वो साधन लेके आया हो। रावण प्रतिदिन ये उपाय किया करता था, आज मैं तुम्हें रावण संहिता, चरक संहिता और दुनिया की और 27 नई किताबों को जोड़कर आपके सामने साझा कर रहा हूं उपाय। आज का उपाय बहुत बड़े गहन रिसर्च का पार्ट है, लेकिन तुम्हें तो क्या ही करना है, जरा सी चीज लेकर के मुट्ठी में अपने ऊपर से उतार कर फेंक देना है मात्र। वो चीज क्या है? वो चीज है सरसों। अगर तुम शादीशुदा हो तो सरसों लेना और अनमैरिड हो तो राई लेना, और तेज काम करेगा। हाँ, और ध्यान रखना, अगर तुम्हारा पार्टनर शादीशुदा है तो डेफिनेटली तुम राई लेना। तुम शादीशुदा हो, पार्टनर अनमैरिड है तो भी राई लेना। तुम शादीशुदा हो, अपनी ही लाइफ बचाना चाहते हो, अपने ही पार्टनर को ठीक रखना चाहते हो तो सरसों से करो, सीधे सीधे कोई दिक्कत नहीं। अद्भुत मंत्र है, अद्भुत शक्ति है इसमें आज जो मैं तुम्हें साझा कर रहा हूं। राई का आकार पृथ्वी का आकार है। जिस प्रकार से पृथ्वी में 75% पानी है, वैसे राई में 75% तेल है। उतना ही जीवनदायिनी है जितनी पृथ्वी जीवनदायिनी है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, अगर आपके पास कोई छोटा अवजार, छोटा सा कोई ऐसा साधन हो और राई में आप कोई भी चीज रोप करके अंदर लगा दे तो वो चल जाएगी। दुनिया का कोई भी बीज इतना छोटा ले आइए जो राई के अंदर डालकर रखा जा सकता हो, आप यकीन मानिए वो चल जाएगा। इसका दूसरा प्रमाण देता हूं, इसमें उर्वरकता बता रहा हूं, इसकी ताकत बता रहा हूं। जिस दुग्ध को पूरे देवताओं पर चढ़ाया जाता है, उस दुग्ध का वर्धन जानवरों में इसी का बचा हुआ तेल निकालने के बाद जब कचरा बचता है, खली बचती है, वो खिला करके जानवरों से दुग्ध बढ़ा लिया जाता है, ऐसी मान्यता है। इसमें उर्वरकता, इसकी शक्ति, इसका सामर्थ्य, इसका बल छोटा नहीं है। पुराणों में उल्लेख है कि ये कोई सामान्य चीज नहीं है। भगवान शनि से स्थापित एक गंधर्व है जो राई और सरसों बन करके जन्म लिया। और हां, महाराज विश्वामित्र का परम प्रताप है, उनकी सम्मोहिनी शक्ति का अद्भुत प्रताप है ये कि भारतवर्ष के ही नहीं पूरे विश्व की धरा पर, जहां पर भी धरा है, जहां पर यह चीज उत्पन्न हो सकती है, पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है इससे। आप सोचो, छोटी सी चीज के अंदर ऑयल भर के रखा है तुम्हारे खाने के लिए, आहा, तकनीक तो देखो। इस पूरे के पूरे तंत्र को, इस पूरी की पूरी व्यवस्था को, इस तिलिस्म को समझने की कोशिश तो करो। जरा सी चीज में ऑयल भर के रखा है तुम्हारे लिए। ऑयल केवल चमकने के लिए नहीं होता, ऑयल केवल चिकना पदार्थ नहीं होता, ऑयल केवल तुम्हारी त्वचा का रक्षण नहीं करता, ऑयल केवल तुम्हारे भोजन को नहीं पकाता, ऑयल केवल तुम्हारे पाक शास्त्र में बेहतर नहीं होता। ऑयल से दीपक चलता है, प्रकाश होता है, रोशनी होती है, ऑयल से शनि की शांति होती है। ऑयल 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 से जला करके, उससे अभिषेक करके शत्रुओं को नष्ट किया जा सकता है। हजारों लाखों प्रयोग हैं उसी का, सीधा
ताना बाना आपके सामने बुनकर आपको रखा रहा हूँ। आज करना क्या, छोटी सी तो चीज़ है, एक मुट्ठी राई या सरसों अपने ऊपर से उतार कर फेंक देना है, फिर देखिए चमत्कार, हाँ पूरी दुनिया तुम्हारा चक्कर काटेगी। आज दुनिया भर के घन चक्करों को चक्कर कटाने के लिए वो अद्भुत ताकत लेकर के आया हूँ। अब रोने के लिए नहीं, खुश होने का समय है। सीधा तुम्हें उपाय को और लेकर के चल रहा हूँ। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, सन्नो देवी रविष्टे आपो भवंतु पीतये, क्या नहीं मिल सकता, क्या नहीं हो सकता, क्या असमर्थ है, क्या क्या असंभव क्या है जो तुम पा नहीं सकते। जरा सावधान होकर समझने की कोशिश करना, तुम्हें सीधा उपाय को और लेकर के चल रहा हूँ। उसके पहले आपके बीच का अनुभव आपके साथ पूरी स्वीकृति के साथ साझा कर रहा हूँ। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मेरा आपको चरण स्पर्श। आपके आशीर्वाद से मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और मैं बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, और आगे से मेरी जो मनोकामना है वो बहुत जल्द पूरी होगी, ऐसा मुझे पूरे पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सो मच टू यू। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी निरंतरता और आपके भक्ति का प्रताप है ये, आपकी श्रद्धा का उत्कृष्ट भाव है ये। बहुत धन्यवाद, आपने इस भीड़ में मुझे चुना, मुझ अकिंचन पर अपना विश्वास जमाया और आप ठीक हुए, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान है, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा, अनेकों अन्य अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सके। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था। इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है। आप सपरिवार आ सकते हैं। इसमें भोजन प्रसाद इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। जय शिव शंकर। चलो सीधे उपाय को लेकर के चल रहे हैं। बहुत सारी बातें हो गई। आज मैं कह रहा हूँ राई या सरसों अपने ऊपर से उतार कर आप अपना परिवार, अपना घर, अपना संसार, अपना प्यार, अपना रिश्ता, अपना नाता, अपना दुनिया बचा सकते हो, अपने प्राण बचा सकते हो, अपना जीवन बचा सकते हो, अपनी सांसें बचा सकते हो और खुद को बचा सकते हो। जान लो वो उपाय, वो सलूशन, वो तरीका, वो ढंग, वो सिस्टम जिससे तुम हो सकते हो। बस कुछ खास नहीं, एक मुट्ठी सरसों अपने बाएं हाथ में पूरा भर के बंद कर लीजिए ऊपर से। जो मैं कह रहा हूँ इसको दोहराने की कोशिश करना। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षताम भक्तानाम अभयम करत तातारव भवार्णव। अगर आप इतना लंबा नहीं बोल सकते तो ओम रक्ष, ओम रक्ष, ओम रक्ष गणाध्यक्ष ऐसा भी बोल सकते हैं। और बस पूरा मुट्ठी में लीजिए और मुट्ठी थोड़ी ढीली करिए और चारों तरफ गिरने दीजिए। ऐसे चक्कर बनाइए उसका फेंकते हुए चारों तरफ, और पूरब की तरफ मुंह करके खड़े होना और दक्षिण की साइड से ऐसे घुमा कर फेंकना। इस मंत्र को एक से अधिक बार भी बोला जा सकता है, जितनी ज्यादा बार 108 तक जाया जा सकता है। पूरे मन श्रद्धा से, विश्वास से, सामर्थ्य के साथ, पूरी धार्मिकता के साथ उपाय करें, आपका जीवन धन्य होगा। बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। सावधान होकर के पूरी समझदारी और पूरी सूझबूझ के साथ करिएगा। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, बहुत आवश्यकता होगी गुरु के चरणों में अनुराग रखने की। भक्ति एकदम प्रबल होनी चाहिए, क्योंकि उपाय इतना सा काम करता है, गुरु आदेश और उसकी भक्ति, उसका आशीर्वाद इतना काम करता है।
उसकी श्रद्धा, उसके प्रति भक्ति, क्योंकि तपस्या उसी की तो है जो तुम्हें बेहतर बनाती है। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। रोना मत, परेशान मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, नेगेटिव थिंकिंग बंद कर दीजिए, पैसों का आदान प्रदान प्लीज मत करिए किसी भी तरह से, प्रीवियस लाइफ मत बताना, पिछली बातें बताकर कोई श्रेष्ठ मत बनने की कोशिश करो, सब खराब कर बैठोगे। अपना ध्यान रखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर पल तुम्हें सिखाऊंगा, हर क्षण तुम्हें बेहतर बनाऊंगा, हर पल तुम्हारा बेहतर करने के लिए प्रयास करूंगा, 24 घंटे हर हाल में तुम्हें देख रहा हूँ। जिसे कहते ना ऊपर वाला सब देख रहा है, मैं देवी ही देख रहा हूँ, ध्यान रख रहा। ओम नमः शिवाय। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा, अनेकों अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सकें। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था। इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है, आप सपरिवार आ सकते हैं, इसमें भोजन प्रसाद इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। जय शिव शंकर।